नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश कपूर एबिलिटी इन्फोटेक से। दोस्तों, ओबीएस की हेल्प से जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं किसी भी प्रोफेशनल कैमरा या पीटीजेड कैमरे के थ्रू, तो जो भी हमारे वीडियो बनते हैं वो लैंडस्केप मोड पे बनते हैं। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम के लिए हमें जो वीडियो चाहिए होते हैं वो इस तरीके से लंबाई में चाहिए होते हैं, यानी पोर्ट्रेट मोड पे चाहिए होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्ट्रेट मोड के लिए हमें ओबीएस में क्या-क्या सेटिंग करनी पड़ती हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ करके यूट्यूब या इंस्टा के लिए शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओबीएस की सेटिंग। ये ओबीएस का हमने आउटलुक खोल लिया है। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आप यहाँ जाएंगे वीडियो में। वीडियो में आप यहाँ पे देखेंगे आपने बेस कैनवास रेजोल्यूशन, ये अगर आपने फुल एचडी सेलेक्ट किया हुआ है यानी 1920x1080, यानी जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9। अब आपको इसको उल्टा करना है, 9:16 करना है। कैसे? 1920x1080 को आप रिवर्स करेंगे, अब यानी 1080x1920। अब आप देख रहे हैं ये आपका एक्सपेक्ट रेशो 9:16 हो गया है। और जो उसका आउटपुट है इसको भी अगर आप यहाँ पे 1080x1920 सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेम आप 30 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप 30 रहने दीजिएगा। यहाँ से आपने इसको अप्लाई करके ओके कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये वीडियो इस तरीके से आपको पोर्ट्रेट मोड पे मिल जाएगा। कुछ केसेस में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ये जो स्क्रीन है ये ऊपर इस तरीके से हाफ में दिखेगी और नीचे ये ब्लैक स्क्रीन दिखेगी कुछ इस तरीके से। तो इसका रेजोल्यूशन आपको इस तरीके से करना है कि आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इस पेज को आपने बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद आपने जो भी इमेज लेनी है या जो वीडियो आपने लेना है जिसमें आप आना चाहेंगे तो उस वीडियो को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको वापस दूसरी जगह सेलेक्ट करके इसको अब आप लॉक कर देंगे। तो अब इस फ्रेम के अंदर, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग जो होती है ओबीएस में वो आपके इस फ्रेम के अंदर से होती है, तो आप इस फ्रेम के अंदर जितना देखेंगे उतना ही वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो आई होप आपकी क्वेरी इसमें रिजॉल्व हुई होगी। इसी तरह की और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।